की सारी जनता अंग्रेजों को यहाँ से निकाल देने के लिए जो लड़ी थी, इस कल्पना थी कि पूरा भारत एक स्वतंत्र देश होगा, लेकिन आ गया विभाजन। लेकिन नेताओं ने निर्णय कर दिया, जनता ने उसको मान लिया, लड़े नहीं थे उसके लिए, फिर भी मान लिए। असाम दे दो दिना दौरे उत्ते पहुंचे आरएसएस मुखी मोहन भागवत ने हुन मुसलमाना ते पाकिस्तान बारे नवा बयान दिता है। इस नाल ही विवाद छड़िया है। संघ दे मुखी ने कहा कि 1930 तो योजनाबद्ध तरीके दे नाल भारत विच मुसलमाना दी गिनती वधाउण दे यतन कीते जा रहे ने। इस दे पिछे विचार ए सी कि आबादी वधाउण दे नाल ओ अपना दबदबा वधाउणगे अते इस देश नूं पाकिस्तान बना देंगे। उन्हें कहा कि भारत विच बंगाल असाम ते सिंध नूं पाकिस्तान बनाउण दी योजना सी। ए योजना पूरी तरह सफल नहीं हो सकी सी, पर बन तो बाद पाकिस्तान बन गया सी। भागवत पिछले दिनां तो मुसलमाना बारे लगातार बयानबाजी कर रहे ने, जिस करके नित नवा विवाद खड़ा हो रहा है। इस तो पहला 4 जुलाई नूं एक किताब दी लॉन्चिंग समय भागवत ने कहा सी कि जेकर कोई हिंदू कहता है कि एथे कोई मुसलमान नहीं रह सकता ता ओ हिंदू नहीं, काउ एक पवित्र जानवर है, पर जो लोग इस दे नाम ते दूजियां नूं मार रहे ने ओ हिंदू तब दे विरुद्ध ने। अजिहे मामलियां विच कानून नूं अपना राह अपनाउणा चाहीदा है। सारे भारतीयां दा DNA इको जिहा है, चाहे कोई भी किसी भी धर्म नाल संबंधित होवे। अब CAANRC ये किसी भारत के नागरिक के विरुद्ध बनाया हुआ कानून नहीं है। भारत के नागरिक मुसलमान को CAA से कुछ नुकसान नहीं पहुंचने वाला। और विभाजन के बाद जो इतिहास हुआ है उसमें एक आश्वासन नेहरू लियाकत करार में दिया गया कि हम अपने देश की माइनॉरिटीज की चिंता करेंगे। हम आज तक उसका पालन कर रहे हैं, पाकिस्तान ने नहीं किया। और इसलिए उस समय भी हमारे लोगों ने सोचा, उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी सोचा कि सारी जनता अंग्रेजों को यहां से निकाल देने के लिए जो लड़ी है, इस कल्पना से कि पूरा भारत एक स्वतंत्र देश होगा। लेकिन आ गया विभाजन। विभाजन मान्य करते समय कोई सार्वमत नहीं लिया गया। उस समय सार्वमत लेते विभाजन को मान्यता मिलती ही नहीं। लेकिन नेताओं ने निर्णय कर दिया, जनता ने उसको मान लिया, लड़े नहीं थे उसके लिए, फिर भी मान लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जस्ट टीवी।